हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं सोलर दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ज कंट्रोलर के बारे में। ये चार्ज कंट्रोलर क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी लोग सोलर पैनल अपने घरों पर लगाते हैं और वो डायरेक्टली अपने लोड को या बैटरी को उससे कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करने की वजह से उनका सिस्टम जो है या उनका जो बैटरी है वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है या फिर क्यों कंप्लेंट्स आती हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपका जो सोलर प्लेट है, जब ज़्यादा धूप होती है तो वो ज़्यादा वोल्टेज और करंट बनाता है, कम धूप होती है तो कम बनाता है, जिसके वजह से सिस्टम को या आपके बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट नहीं मिल पाता है और उसकी प्लेटें ख़राब हो जाती हैं या फिर बैटरी डैमेज हो जाता है। अगर आपका 5 साल का बैटरी का गारंटी है तो हो सकता है कि इस वजह से उसकी गारंटी सिर्फ 2 साल की रह जाए या 1 साल की रह जाए। तो दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर यहाँ इस जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और चार्ज कंट्रोलर आप सबको ज़रूर 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 से लगाना चाहिए। डायरेक्टली अपने सिस्टम को, अपने लोड को या अपने बैटरी को आपको अपने सोलर पैनल से नहीं लगाना चाहिए। अभी इस वक्त मेरे हाथ में है ल्यूमिनस का छोटा सा ये चार्ज कंट्रोलर, जिसकी कीमत मात्र 400 से 500 रुपये है, जिसको आप अपने सोलर प्लेट के साथ लगा सकते हैं और अपने बैटरी को और अपने लोड को इसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे आप अपने प्लेट को लगा सकते हैं। प्लेट का कनेक्शन यहाँ प्लस माइनस का कर सकते हैं। अपने बैटरी को यहाँ कनेक्ट करेंगे और अपने लोड को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो लोड होगा ये डीसी लोड होगा। आप एसी लोड के लिए आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और डीसी लोड आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका प्लेट जो है वो कॉन्स्टेंट करेंट या कॉन्स्टेंट वोल्टेज नहीं देता है तो उसके वजह से जो आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, वहाँ हम ये लगाते हैं तो इससे क्या होता है, ये किसी भी तरह के लोड को झेल सकता है, किसी भी तरह के वोल्टेज, किसी भी तरह के करंट को झेल सकता है, लेकिन आउटपुट में जब भी निकलेगा इससे 12 वोल्ट और 6 एम्पियर का ही निकलेगा, जिसके वजह से आपका बैटरी ख़राब नहीं होगा और आपका सिस्टम ख़राब नहीं होगा, आपका लोड ख़राब नहीं होगा। जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ये वहीं पर उसका सप्लाई रोक देगा और आपके लोड को डायरेक्टली आपके पैनल से कनेक्ट कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी पे अनवांटेड लोड नहीं पड़ेगा और वो ख़राब नहीं होगा। बैटरी से जो रिवर्स करंट आता है ये उसको भी प्लेट तक नहीं जाने देगा, जिसके वजह से आपका प्लेट भी सेफ है। तो दोस्तों, इसे लगाना बेहद ज़रूरी है, इसे ज़रूर से लगाएं और इसे अपने सिस्टम के साथ हमेशा रखें। ये बहुत महंगा नहीं है, मात्र 400 से 500 रुपये का सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता कि इसे कहाँ से ख़रीदें तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सोलर दुनिया की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे या हम आपको इसको भेज देंगे। आप हमारे वेबसाइट से भी इसको बाय कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने नज़दीकी डीलर के पास जा सकते हैं, जो ल्यूमिनस का डीलर हो या माइक्रोटेक का डीलर हो या किसी और कंपनी का डीलर हो, उससे आप चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर बहुत सी कंपनियों का आता है, पर मैं अगर रिकमेंडेड करूँ तो आप ल्यूमिनस का ही चार्ज कंट्रोलर लीजिए, क्योंकि ल्यूमिनस के अंदर काफ़ी अच्छी वारंटी होती है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन होते हैं। तो दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर ज़रूर से लगाएं अपने सिस्टम के साथ, ये आपके सिस्टम की लाइफ को बढ़ा देगा और आपके सिस्टम को ख़राब नहीं होने देगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सोलर के काफ़ी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और काफ़ी हमारे वीडियोज़ आगे भी आते रहेंगे। आप हमारे लिंक को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आपके पास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।